नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप टीच में। और इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि आइसोमेट्रिक किस तरीके से बनाएंगे। अब मैं आपको उसका सेटिंग बताता हूँ कि डायमेंशन को हम किस तरीके से सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये ड्राइंग को फर्स्ट वीडियो में बनाया था। अब इसके हम डायमेंशन को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले A20, अभी ये जो डायमेंशन है वो प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस डायमेंशन को हम किस तरीके से सेट करेंगे। ठीक है, पहले मैं सारे डायमेंशन को माप लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सेल आपको याद रखना है कि एक्सेल जहां लेना है वहां एक्सेल लाइन ही लेंगे हम। जहां तो ये लास्ट बाकी लगा रहा है, ठीक है। तो अभी ये लास्ट वाला बाकी है अभी। ठीक है, अब इस डायमेंशन को हम कैसे सेट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, इसके लिए हमें कमांड में लिखना है डिम एडिट एंटर, और यहाँ पे ओके दिखता है तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर ओ पे क्लिक करके डिम या फिर ऑब्लिक पे क्लिक करके या ओ स्पेस करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी डायमेंशन को सिलेक्ट करना है और एंटर देना है, और एक पॉइंट सिलेक्ट करना है उस डायमेंशन का, और आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए वो डायरेक्शन आपको रखना है। अभी मेरे को टॉप में नहीं चाहिए तो मैं F5 करूँगा तो ये राइट साइड चला गया है उसके। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 30 का एंगल डालूंगा, तो देखिए आपको ये जो इसका आइकन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं स्पेस और यहाँ पे वो स्पेस करूंगा और ये डायमेंशन को सिलेक्ट करूंगा, और मुझे जिस डायरेक्शन में चाहिए वो डायमेंशन, वो डायरेक्शन में F5 करके और 30 का एंगल दूंगा। यानी आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में आपको उसे सेट करना होगा और 30 डिग्री डालना होगा, ताकि जो आपका जो डायमेंशन है प्रॉपरली उस दिशा में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अभी इस डायरेक्शन में मुझे टॉप की तरफ चाहिए, तो मैं इसे राइट साइड की तरफ चाहिए तो मैं इसे स्पेस करके ऑब्लिक करके पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में चाहिए तो 30 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर ये टॉप में आ गया, मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो मैं डी में एडिट लिखूंगा। ठीक है,
ओ स्पेस, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपने सिलेक्ट बरोबर नहीं किया होगा तो भी ये प्रॉपरली नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा मुझे डाउन साइड चाहिए तो मैं डाउन साइड ले लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये दो डायमेंशन बाकी रह गए अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑटोकैड में डायमेंशन आइसोमेट्रिक में दे सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे के इस तरीके से वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।